मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच कुड बी आस्क्ड इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो कैट हो, चाहे वो एनमैट हो, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो कोई भी इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो स्नैप हो, आपको ये वाले वर्ड बार बार दिखेंगे और उसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा लिस्ट बता रहा हूँ ये वर्ड्स कौन से हैं। इन वर्ड्स को याद कर लेना, अच्छे से सुन लेना और पेन और पेंसिल लेके याद, सेम टू सेम वर्ड्स आपको दिखेंगे। पहली बात तो कैट के अंदर वोकैबुलरी डायरेक्टली आती नहीं है, आपको पता है घुमा के आती है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको ये वाला वर्ड गया। ये नॉर्मल लिस्ट वर्ड पार मीडिया का एक चैप्टर है विच टॉक्स अबाउट हाउ टू टॉक अबाउट पीपल, हाउ टू टेल हाउ पीपल टॉक। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट वर्ड है? ये इंग्लिश लैंग्वेज को प्रकट करते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि लैंग्वेज का जो यूजेज है वो कैसे है। ठीक है, अब अंग्रेजी अगर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज का यूजेज कैसे है? जैसे पहला वर्ड मैं लिखता हूँ यहाँ पे वर्बिएज, आज के बाद किसी को नहीं बोलना। अगर तुम्हारे कोई लड़का लड़की तुमसे फ्लर्ट मार रहा है, तुम्हारा को पसंद नहीं आ रहा है, जैसे लड़कियों के साथ कोई फ्लर्ट मार रहा है, लड़कियाँ आई हैं कि नहीं आजकल? कोई भी नहीं आया यहाँ पे आज, लड़के ही दिख रहे हैं। कोई है लड़की? कौन है? विपुल गुलवे, गौरव वर्षने, कोई भी नहीं आज। ठीक है, चलो लड़के के साथ कोई लड़का है क्या? हाँ अक्षता, अरे है, चलो अक्षता बड़ी क्यूट बन दी, अक्षता तेरे से कोई लड़का फ्लर्ट मार रहा है, जानवी, जानवी तो लड़की है, अनुभव जैन तेरे साथ फ्लर्ट मार रहा है, तो उसको बोलना ऐसे गंदा सा उसने टेक्स्ट मैसेज कर दिया लाइव, तो क्या ही फ्लर्ट मारेगा, है ना? तो उसको ये मत बोलना माइंड योर लैंग्वेज, वो गरीब लोग करेंगे, हम बोलेंगे माइंड योर वर्बिएज। ठीक है, माइंड योर वर्बिएज विच मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन। अनुभव जैन जस्ट एन एग्जाम्पल, हाँ तेरे को बस समझाने के लिए। माइंड योर वर्बिएज विच मीन्स द यूजेज ऑफ द वर्ड शुड बी प्रॉपर। अपनी लैंग्वेज का दिन है वो पुराना 1970 के अंदर, वो श्रीदेवी माधुरी दीक्षित टाइम का है। ठीक है, ओके, ऑल गुड, नंबर वन वर्ड फॉर द डे। ठीक है, ऑल गुड, आगे चलते हुए कंसाइज टू द पॉइंट, बिल्कुल मेरे को कंसाइज बात कर, टू द पॉइंट बात, मेरे को इधर उधर के घुमा की बात नहीं करनी है। ठीक है, इसके तीन वर्ड्स हैं, इनको तुम ब्रैकेट के अंदर डाल दो, पिथी, टर्स, कंसाइज, और एक और है सेकंड। ये सब जो दुनिया है, दुनिया कम बोलने वाली है। ठीक है, कंसाइज टू द पॉइंट, ठीक है, पिथी टू द पॉइंट, सेकंड टू द पॉइंट, एक और वर्ड होता है टर्स, टर्स और के साथ एक और ऐड करो लैकोनिक। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये टू द पॉइंट तो है पर यार ये कम बोलने वाला इंसान है। ठीक है, लैकोनिक, ये नॉर्मन लिस्ट वर्ड पार्मेडिटी का वर्ड है, लैकोनिक कम बोलने वाला इंसान है। मैं इनफैक्ट इंटरव्यू ले रहा था आईआईटी बॉम्बे के अंदर, यू नो, एंड देयर वाज अ लेडी हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड शी वाज डूइंग एमबीए इन मार्केटिंग, आईआईटी बॉम्बे इज फेमस फॉर मार्केटिंग। तो मुझे बोलती है सर आई वांट टू डू एमबीए इन मार्केटिंग, दैट वाज माय जी डेज व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन जी जनरल इलेक्ट्रिक, आई वेंट टू आईआईटी बॉम्बे टू हायर पीपल। ये अराउंड चार साल पुरानी, पाँच साल पुरानी बात है। तो बंदी मुझे बोलती है सर आई एम लैकोनिक। मैंने बोला अच्छा, बट मतलब क्या होता है लैकोनिक का? कहती सर टू द पॉइंट बात करती हूँ। अबे तू एमबीए इन मार्केटिंग कर रही है, तुम तो दो शब्द बोल के निकल जाओगे, वो सामने वाले को चीज़ समझ आएगी कि नहीं समझ आएगी तेरे को कैसे पता? इफ़ यू डूइंग एमबीए इन मार्केटिंग यू कैन नॉट बी लैकोनिक, यू टू बी स्मूथ। द वर्ड इज कॉल्ड एज ग्लिब, स्मूथ टॉकर। ये टिपिकल वो सेल्स वाले लोग होते हैं, वो सेल्स वाले लोग होते हैं ना, जैसे सपोज कर मुझे तुम्हें साबुन बेचना है, अरिहंत को साबुन बेचना है, अरिहंत है, अरिहंत साबुन है यार, 8 रुपये का साबुन है, तू ऑलरेडी लक्स यूज़ कर रहा है यार, ये बेकार यूज़ कर, बेकार बंद कर, ये वाला यूज़ कर, 8 रुपये का साबुन है, TFM वैल्यू भी बढ़िया है इसकी और खुशबू भी बढ़िया है, खरीदेगा क्या? खरीदेगा क्या? खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा ना, कोई भी नहीं खरीदेगा। यही मैं इसको बोलूँगा, घंटी बजाऊँगा, टिंग टॉन्ग, मैडम, मैडम नहीं सर, आप कौन से साबुन नहाते हैं? पीछे सुबह के रहूँगा, नहीं सर बताओ, अगर आप ये साबुन नहाते हैं, मेरा साबुन आपके साबुन से बढ़िया, ब्ला 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 ब्ला। ग्लिब, स्मूथ टॉकर, एज स्मूथ एज बटर, बटर, ठीक है, एज स्मूथ एज बटर इज कॉल्ड एज ग्लिब और स्मूथ टॉकर। ठीक है, मार्केटिंग वाले बच्चे को ग्लिब होना पड़ेगा। हाँ, फाइनेंस में एमबी करो, तुम्हारी स्ट्रेंथ लैकोनिक हो सकती है, पर ग्लिब इज गॉन्ट बी स्मूथ टॉकर। अच्छा, एक और टॉकर होता है विटी, ये लोग कन्फ्यूजन कर लेते हैं। ये मेरे आगे का वैसे वोकैबुलरी वर्ड आज का, जब तुम्हारी क्लास में तुम्हारे डैशबोर्ड पे ये वाला वर्ड दिखोगे तुम्हें, विटी, ये कैट के अंदर आ चुका है। विटी वैसे बाय द वे क्या होता है? एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ विटी? विटी का मतलब क्या होता है? विटी का मतलब पता है क्या होता है? विटी एक्चुअली मोर ऑफ अ ह्यूमर काइंड ऑफ थिंग, ये टू द पॉइंट बोलता है पर एकदम स्टार्टिंग में बहुत ही भयंकर सी स्टेटमेंट मार के आगे निकल जाता है। विटी इज टू द पॉइंट बात करना, पर बढ़िया बात करना, थोड़ा सा इसके अंदर ह्यूमर छुपा होता है। अ विटी स्टेटमेंट विच इज क्विक, विच इज इन्वेंटिंग एंड विच इज वर्बल एंड विच इज ह्यूमर। ठीक है, ह्यूमरस का शार्प और इंटेलिजेंस जब उसके अंदर वर्ड आ जाए तो उसको हम विटी बोलते हैं, नहीं तो कोई भी कन्वर्सेशन को हम ह्यूमर बोल सकते हैं। ह्यूमर कुड बी अ लॉन्ग ह्यूमर, बड़ा लंबा जोक मारा उसके बाद सब लोग हरे हंसे उसके, नहीं तो अपन ने विटी जोक मारा तो हमने उसको फटाफट जोक मार के हंस पे एक एक पन बोला उसको, कभी कभी पन भी बोलते हैं। कभी कभी आपको पता होगा पन इंटेंडेड, सुना आप लोगों ने,
पन इंटेंडेड, कोई भी जोक मारते हैं तो उसको ब्रैकेट में हम कभी कभी लिखते थे पन इंटेंडेड, मतलब वो मजाक के अंदर चीज देते हैं, ठीक है, वो भी एक इंग्लिश का तरीका है। ह्यूमरस की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी जब ह्यूमर की बात कर रहे हैं तो एक और वर्ड मेरे दिमाग में आ जाता है विच इज कॉल्ड एज जॉक्यूलर। जॉक्यूलर का मतलब भी जोवियल टाइप होता है, जॉक्यूलर मतलब जोकिंग और ह्यूमन, जोकिंग भी हो सकता है और जॉक्यूलर भी हो सकता है। ये तरीके हैं जैसे आप अपनी भाषा को व्यक्त करते हो, ठीक है। आगे लैकोनिक, मार्केटिंग, ग्लिब विच मीन्स स्मूथ टॉकर, ठीक है। कर्ट, कर्ट ब्रस्क, बिंट, ये भी ब्रीफ है, ये भी छोटा है पर ये टू द पॉइंट है और थोड़ा रूड है। ब्रस्क इज ऑल्सो एन एब्रप्ट ऑफ एंड स्पीच। मैं बोलूँगा बेटा सीईटी की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सीईटी की तैयारी कर लेना, पर साथ साथ में आई एम अहमदाबाद को भी स्ट्रॉन्ग बैकअप रख सकते हो। मैं थोड़ा मूड में हूँ आई एम अहमदाबाद के, बिकॉज रिजल्ट आए हैं और मेरे हमारे 35 बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, तो और अराउंड 54 आई एम इंदौर में जा रहे हैं, बैकअप रख लेना यार, बिकॉज जमुना बाजार नहीं रखेगा मैं, मेरे को JBIM में जाना है। मैं इतना प्यार से समझा रहा हूँ यार तेरे को, नहीं रखेगा मैं जमुना बाजार। सो इट्स अ कर्ट रिप्लाई, इट्स अ ब्रिस्क रिप्लाई, ठीक है, विच इज़ टू द पॉइंट, विच इज एब्रप्ट ऑफ एंड। मैं ये प्यार से समझा रहा हूँ, तेरी मर्जी है, तेरे को करना है कर, बाकी तेरी मर्जी है, पर ऐसे तो मत बोल यार। इट कुड ऑल्सो बी कॉल्ड एन एब्रेसिव रिप्लाई। एब्रेसिव मतलब आउटस्पोकन है भाई, लौंडा आउटस्पोकन है, ठीक है। इनफैक्ट मैं चेक कर रहा था, आई वॉज इन बॉम्बे, तो मैं बॉम्बे में था ना, मुझे किसी ने एक आर्टिकल पढ़ाया था टाइम्स ऑफ इंडिया का, महाराष्ट्र इज द मोस्ट रूडेस्ट कंट्री इन द लैंग्वेज, मराठी नहीं सॉरी, मुंबईकर्स आर द मोस्ट रूडेस्ट पीपल। डू यू गैस एग्री, येस और नो? डू यू गैस एग्री, येस और नो? डू यू गैस एग्री, येस और नो? यस यस, मराठी को ही पूछ लो, महाराष्ट्रीज बताएंगे, नो कमेंट महाराष्ट्रीज। ये पूरा का पूरा आर्टिकल आया था, मैंने आर्टिकल, मैंने बोला नहीं यार मराठी तो इतनी स्वीट लैंग्वेज है, बट इट वॉज पता नहीं रूडेस्ट लैंग्वेज इन द कंट्री, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, रूडेस्ट तो नहीं है, बट दीज पीपल आर नॉट ब्रस्क, बट महाराष्ट्रियंस, आई हैव स्टेड अबाउट 10 years विद महाराष्ट्रियंस एंड दे गुड पीपल, ऐसा नहीं है, बट इट्स मोर ओपन, कल्चर इज वेरी वेरी ओपन, यू नो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल्चर में लाइक मम्मी को आप लोग मम्मी बोल सकते हो, माँ जी बोल सकते हो, एक्सेट्रा। तो आई थिंक मराठी के अंदर माई बोलते हैं ना, मराठी के अंदर माई बोलते हैं, राइट, माँ आई बोलते हैं, आई और तू बोलते हैं ना, आई और बोलते हैं और तू भी बोलते हैं ना, सीधे तू करके बुलाते हैं, राइट, तू बोलते हैं ना, राइट, सीधा तू, लाइक आई को मतलब मम्मी को तू, मतलब मेरी मम्मी को तू बोलेगा ना तो मतलब पराठे वराठे बंद हो जाएंगे मेरे, तो मतलब इट्स इट्स पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट यार तू बोलते, पापा को भी तू करके बुलाते, इज द लैंग्वेज पर से। बट एनी विच वे, देयर वाज अ बिग आर्टिकल ऑफ द रीडिंग, आई नेवर फाउंड महाराष्ट्रियन कल्चर और मुंबई का रूड, और या वी आर लिटिल बिट, मैं भी मुंबई कर बोलता हूँ अपने आप को, वी लिटिल बिट लाउड एंड ओवर, बट ऐसे रूड तो नहीं मानूंगा। नागपुर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ मराठी, बिल्कुल, नागपुर थोड़ा ऑल और अलग हो जाता है, पुणेकर मराठी बड़ी स्वीट मराठी होती है। एनी विच वेज, ठीक है, नॉट टू टू पापा, पापा को टू नहीं, पापा पापा को क्या बोलते, बाबा, बी टू द ए टू द बी टू ए, बाबा, ठीक है, एनी विच वेज, ठीक है, चलो भाई, ड्यू रिस्पेक्ट योर कल्चर एंड रिलीजन, मैं बस पढ़ा रहा हूँ, दिल पे मत ले लेना भाई, ठीक है, तुम ही बोलते हैं, हाँ ठीक है, ओके, आप बोलते हैं पापा को, अच्छा वेरी गुड, नहीं यार तू भी बोलते हैं बाबा, तू, अच्छा ठीक है, पता नहीं यार तुम्हें ज़्यादा पता है, सॉरी, नहीं बोलते, मार पड़ जाती है, अच्छा फिर सही है, फिर मतलब मम्मी है घर की, चलो ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक, सॉरी यार, आई एम नॉट ट्राइंग टू, तुम्हें, तुम ब्रिस्क और ब्रेसिव लोग हैं जो मारेंगे, मैं भी मुंबई वाला हूँ, मारना मत, ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लंट, टू द पॉइंट, ब्लंट, अब मैंने देखो ब्लंट रिमार्क मार दिया, महाराष्ट्र इज, मैं नहीं बोल रहा भाई ब्लंट, मैं तो पढ़ा था आर्टिकल, प्यार से बोलना चाह रहा हूँ। ब्लंट इज ओपन आसीदा टू द ग्रफ, ग्रफ इज अ रफ बट लो पिच वॉइस, ठीक है, लो पिच वॉइस, ये भी ब्रस्क और कर्ट कैटेगरी का है, पर ये लो पिच वॉइस का है, बोलना ना तेरे को बंद कर ये सब, खत्म, ठीक है, बोलना ना तेरे को सब बंद कर, खत्म, ठीक है, खत्म कर, और सुनने का ही नहीं मेरे को, लो पिच वॉइस रहती है बट इसके अंदर दम रहता है, ये भी कर्ट ही कर रहा है, ये सब सेम कैटेगरी के, सेम बकेट के वर्ड है, ठीक है। सेकंड मैंने ऊपर कर दिया, सेकंड इज नथिंग बट पिथी, हाँ, पिथी इज टू द पॉइंट, ठीक है। नीचे इंसिसिव, इंसिसिव बहुत प्यारा वर्ड है, इंसिसिव एकदम इंटेलिजिकल, ये विटी टाइप है, अच्छा बाय द वे, विटी और इंसिसिव में थोड़ा सा फर्क है। इंसिसिव में, इंसिसिव इज शार्प, कट थ्रोट, इंसिसिव का मतलब होता है कटिंग, एक्चुअली कट, शार्प, विटेड, पर विटी सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा ह्यूमर आ जाता है। इंसिसिव रिमार्क इज अ शार्प रिमार्क, बाकी सब चुप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन, एपिग्रामेटिक, एपिग्रामेटिक इज अ स्टाइल ऑफ एपिग्राम, एपिग्राम इज ऑल्सो बाय द वे टू द पॉइंट, एपिग्रामेटिक मतलब टू द पॉइंट बात करना। एपिग्राम एक और तरीका होता है, ये बहुत ही अम्यूजिंग वे के अंदर, शॉर्ट पोएम को भी कभी कभी हम एपिग्राम बोल देते हैं, एक बहुत ही विटी एपिग्राम बोलते हैं, एक बहुत ही बढ़िया सा फ्रेज को अपन कभी कभी फ्रेजेस को भी बोल देते हैं,
चलो एक और बताता हूँ, एपिग्राम को कभी कभी एडेज कैटेगरी में भी काउंट किया जाता है, ये भी सी ई टी के अंदर आ चुका है भाई, एनमैट के अंदर आ चुका है लैकोनिक, एनमैट के अंदर आ चुका है तुम्हारा जॉक्यूलर, जॉक्यूलर कैट में भी दिख चुका है, सेकंड आ चुका है सी ई टी के अंदर, इनफैक्ट लास्ट ईयर ही था ये वाला वर्ड, वर्बीएज भी आ चुका है सी ई टी के अंदर ऑन 2019-2018 के अंदर। अब हम बात करें एडेज, ये भी आई थिंक सी ई टी के अंदर आ चुका है। एपिग्राम एडेज बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। एडेज एक छोटी सी स्टेटमेंट होती है जो कि आप मारते हो कहीं के भी, एक छोटा सा प्रोवर्ब को यूज़ करना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इज कॉल्ड एज एडेज, ठीक है। कभी कभी इसको हम एपिग्राफ भी बोल देते हैं, अफोरिज्म भी बोल देते हैं, अफोरिज्म इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, अफोरिज्म और एडेज, कोई भी चीज़ जो काफ़ी रिपीटेड हो जाए उसको हम एक ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, इसके अंदर एक जनरल ट्रुथ छुपा होता है, ठीक है। अफोरिज्म एडेज के अंदर, सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट इट्स कुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज एडेज, एक छोटी विटी स्टेटमेंट होती है विच इज यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी हम बातों की बात कर रहे हैं तो एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका नाम है जार्गन। जार्गन क्या होता है? लिंगो मतलब अपना अपन का अलग से जार्गन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल द वे, नहीं ऑब्वियस फैक्ट नहीं है सौरभ, द वे वी टॉक, लाइक मेरा खुद का लिंगो है। लाइक अभी तुम मतलब कई लोग रूट ले लेते हैं, अब मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला हमारे टॉपर का तो स्टार्ट किया, अरे लॉन्डे क्या हाल है यार, अभी मतलब लॉन्डे मतलब कुछ ऐसे बुरा नहीं है उसके अंदर, पर ये बड़ा ही इंजीनियरिंग टाइप, इंजीनियर मानते हो ना, ये बड़ा इंजीनियर टाइप लिंगो है। मतलब कई लोग सोचे क्या बात कर रहे हैं, मतलब जो पहली बार यूट्यूब पे देखेगा बोले व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। लिंगो और जार्गन इज़ वॉट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर सेट ऑफ कम्युनिटी। एक और लिंगो की बात कर रहा हूँ, हमारे कॉलेज में एक वर्ड बड़ा मशहूर था, चुम्मा। कोई साउथ इंडियन है यहाँ पे? एनीबडी साउथ इंडियन? चुम्मा किसी को मतलब पता है? चुम्मे का चुम्मा वो वाला चुम्मा नहीं है, सत्विक नलूरी साउथ इंडियन। चुम्मा क्या होता है भाई बता, कौन सा साउथ इंडियन तू? कन्नड़, तमिल, तेलुगु को चुम्मा? हाँ तेलुगु तो पता होगा, सत्विक बहुत ही, व्हाट इज चुम्मा? एनीवन नो द मीनिंग ऑफ चुम्मा? चुम्मा इज अ वेरी कूल लिंगो विच इज़ यूज इन मेरी, नहीं चुम्मा इज़ नॉट अमेजिंग, चुम्मा इज अ वेरी कूल लिंगो विच इज़ यूज इन सदर्न पार्ट, इट्स तमिल वर्ड एक्चुअली बट इट्स बीइंग यूज इन अदर प्लेसेज एज वेल, तेलुगु वालों को तमिल समझ आता है। एनी थिंग विच इज़ चुम्मा, ये हमारे कॉलेज का लिंगो था, हमारे कॉलेज की टी शर्ट के ऊपर बड़ा बड़ा छपा होता था लाइक चुम्मा, ब्रो लाइक ब्रो एंड ऑल, नहीं 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 वो ब्रो तो वो होता है यार, मच्चा इज चुम्मा, टी शर्ट के पीछे हमारे जो कैजुअल वर्ड थे इट्स कॉल्ड एज चुम्मा, हाँ वो मच्चा होता है, तो चुम्मा मतलब ऐसे ही यार, एग्जाम कैसा था? चुम्मा ही था। अबे चुम्मा ही क्यों बोर कर रहा है यार, मतलब यू लिसन टू दिस वर्ड सो कॉमन सो, अभी मैं भी बार बार बोल रहा हूँ तो मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज यूजिंग दिस वर्ड अ लॉट, बट टी शर्ट के ऊपर भी चुम्मा लिखा हुआ है। डिच कर यार, सेकंड लिंगो वाज डिच कर यार, अबे डिच करना यार, क्या कर रहा है, एग्जाम डिच करना, गर्लफ्रेंड डिच करना यार, अबे डिच यार, फुटबॉल खेलेगा नहीं यार, डिच कर, खाना करना नहीं, मैच जाना, डिच करना है, डिच वॉज अ फॉर्मल सेट ऑफ लिंगोज विच अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल यूज बिकॉज दे बिलोंग टू पर्टिकुलर। कई बार कोई लैंग्वेज की बात कर रहे हैं भाई, कोलोक्यूअल भी बोल देते हैं भाई, कोलोक्यूअल भाषा बहुत अमेजिंग है। कोलोक्यूअल क्या होता है? कोलोक्यूअल इंग्लिश होती है भाई, कोलोक्यूअल इंग्लिश क्या होती है? लोकल इंग्लिश, तेरी मेरी इंग्लिश इज कॉल्ड एज कोलोक्यूअल। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, एनमैट में 3-4 बार आ चुके हैं। लॉक इज टू टॉक, ये पूरा नॉर्मल लिंग्विस्टिक्स का एक सेशन है जिसके अंदर वो लॉक की बात करता है। कोलोक्यूअल मतलब लोकल इंग्लिश, हमारी तुम्हारी इंग्लिश कोलोक्यूअल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोलोक्यूअल लैंग्वेज ऑफ पुणे, पुणेकर मराठी इज डिफरेंट, एम आई राइट? पुणेकर मराठी इज डिफरेंट, नागपुर अमरावती थोड़ा उनका अलग सा लिंगो आता है उसके अंदर, और मुंबई कर भी अलग होती है, आई थिंक पुणे वाली सबसे रिफाइन होती है, उसको हम कोलोक्यूअल भी बोल सकते जितना मुझे पता है भाई, ठीक है, कोलोक्यूअल इंग्लिश, लोकल इंग्लिश। आगे बढ़ते हुए लॉक्वेशियस, ये टॉकेटिव आदमी है, बड़ बोलता ही जाएगा, इसको हम बोलते हैं वर्बोज। एक होता है वर्बोज और एक होता है वॉल्यूबल, ये सब ज़्यादा बोलने वाला इंसान है भाई। इंग्लिश भाषा के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको करवा रहा हूँ, तो पेन और पेपर लेके लिखते जाना, नोट्स बनाना, डायरेक्ट वर्ड्स आएंगे यहाँ से, ठीक है। लॉक्वेशियस, वर्बोज, वॉल्यूबल, तुम कोई भी एग्जाम सीईटी का उठा के देख लो, पुराना पेपर एनमैट का, कैट का, आपको ये डेली इंग्लिश के अंदर वर्ड यूज किएंगे, बिकॉज ये इंग्लिश भाषा को व्यक्त करने के अंदर हेल्प करते हैं। वर्बोज और वॉल्यूबल दोनों ज़्यादा बोलने वाले इंसान हैं। प्रसिद्ध, वेरी गुड। जो वॉल्यूबल बंदा है ना, ये थोड़ा फ्लुएंट है, ये ग्लिब कैटेगरी का, ये वॉल्यूम से बात करता है पर बढ़िया बात करता है। ये जो वर्बोज है ना, ये बहुत सारी क्रिया यूज करता है। क्रिया का मतलब क्या होता है? ही रिपीट्स अगेन एंड अगेन अगेन। मैं एग्जांपल देता हूँ, एनी टू वॉलंटियर्स, एनीबडी कैन बी वॉलंटियर, प्रेफरेबली गर्ल्स, बुरा मत मानना पहले बता रहा हूँ, बट प्रेफरेबली गर्ल्स, लड़कियाँ चाहिए मेरे को दो एग्जाम्पल देने के लिए। ओके, एक है अक्षता, दूसरी एक और भाई, एक और बताओ,
एक और संधिका, चलो भाई दो लड़की है, संधिका आई लाइक योर नेम, गुड नेम, संधिका और अक्षिता। अपन ने ये बॉम्बे 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 में थे तो ये मुझे मिलने आई, तो हम अपने ऑफिस में मिले पवई के अंदर, तो शी केम डाउन एंड मेट मी। और ये ना वॉलीबॉल लड़की है, पहले वर्बोज का एग्जांपल देते हैं। मैंने ना इसको बोला अक्षिता को, बेटा आप स्टेशन से कैसे आए? इसने मुझे बोला, सर आपको पता है मैं सुबह उठी, मैंने अपने पप्पी को खाना दिया, फिर मैं कॉलेज गई। बेटा स्टेशन से कैसे आई? सर अब बात तो सुन लो ना सर, उसके बाद मेरी मम्मा वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो मैं मम्मा को एक बार चेकअप करने डॉक्टर को फ़ोन किया। अरे सर डॉक्टर ने इतना पकाया। बेटा मैं कहाँ से, बेटा तू, मैंने बोला तू ट्रेन से कैसे आई? अरे सर सुनो तो। फिर मेरा, अब कल रात सर क्या हुआ? अबे मैं क्या पूछ रहा हूँ भाई, ये वर्बोज है, ये क्रिया क्रिया, ये बहुत सारी क्रिया यूज़ करती है। नहीं नहीं स्टोरी टेलर नहीं है बेटा, ये क्रिया यूज़ करती है। हाँ बहुत सारी क्रिया, अक्षता सॉरी बस एन एग्जाम्पल, ठीक है। क्रिया ये वर्बोज है, वर्ब्स को यूज़ करना ज़्यादा। वॉल्यूबल संधिका अमेजिंग है, ये आपकी वो फ्रेंड है यार, ये वो फ्रेंड है मतलब जो बक बक करती है पर मज़ा आता है सुनने में। संधिका ने मुझे बोला, बेटा स्टेशन से कैसे आए? सर मैं आपको पता है, सर मैं स्टेशन से उतरी, ऑटो में बैठी, आपको पता है ऑटो वाला शीशे के थ्रू मेरे को देख रहा था, ओ माय गॉड यू नो। आई वाज लाइक व्हाट, चल ठीक है अब बोल ले, मज़ा आ रहा है सुनने में तो सुन लेते हैं। ये आपकी वो फ्रेंड है जो बोलती है पर मज़ा आता है सुनने में, थोड़ा रिलेबल बोला, शी इज़ अ स्मूथ टॉकर, ठीक है, या गॉसिप बात जो भी बोल सकते हो, सीधे स्मूथ टॉकर पर बढ़िया बोलती है, हाँ पॉजिटिव है। एक मिनट, दोनों में से पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है? मैं दोनों जगह माइनस लगा रहा हूँ, दोनों में से एक पॉजिटिव है। अक्षता के संधिका, संधिका इज़ द पॉजिटिव वन, ठीक है भाई, जस्ट एन एग्जाम्पल, सॉरी गर्ल्स जस्ट एन एग्जाम्पल, हाँ दिल पर मत लेना, ठीक है ओके। इट इज़ माइनस, दिस इज प्लस, ठीक है। दो तीन और वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो और भी कर लेते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड आपको करा रहा हूँ। मज़ा आ रहा है कि नहीं? मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत दिनों बाद मैं अपनी सारी वोकैबुलरी उगल रहा हूँ आज, मज़ा आ गया, ठीक है आगे चलते हैं। रेटिसेंट, भैया इतना बकर वाले लोग कर लिए, चलो थोड़ा और कर लेते हैं। गैरुलस भी होता है यार, ये भी बक 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 बक, गैरुलस, गैरुलस भी बहुत ही कम कर, दिस इज नियर टू शशि थरूर लेवल वोकैबुलरी। शशि थरूर को मैं इन्वाइट करने वाला हूँ एक बार अपने सेशन में, हाँ मुझे भी लगता है अगर मैं चाहूँ मैं ये सब यूज़ कर सकता हूँ, बट ठीक है, ठीक है, एनी विच वेज ओके। रेटिसेंट ये कम बोलने वाला, अच्छा गैरुलस भी ऐड कर लो, गैरुलस ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं। अच्छा एक और वर्ड ऐड करो, सर्कमलॉक्यूएशन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी बार बार एनमैट में आ चुका है, सीईटी में आ चुका है, ये स्नैप में भी आ चुका है। सर्कमलॉक्यूएशन, गोल 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 बात करना, ये हमारी अक्षता है, अक्षता सर्कमलॉक्यूएशन में। बेटा स्टेशन से कैसे आई? अरे सर मैं सुबह उठी, फिर मैंने अपने पप्पी को खाना दिया, पप्पी भूखा था, फिर मम्मी को बाहर ले गई डेंटिस्ट के पास। अरे सर सुन, अबे यार सर आपको पता रात को क्या, अबे कहाँ जा रही है भाई तू, मैं क्या बात कर रहा हूँ। सरकम लोकुएशन, गोल 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 गोल, घूमी 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 बातें करना, काम कुछ और है बेटा, बातें कुछ तुम और कर रहे हो। एनओसी कहने हैं सरकम लोकुएशन, गोल गोल बात, लॉक इज टू टॉक, सरकम इज गोल गोल। कम बोलने वाला इंसान, रेटिसेंट, भैया बड़ा ही प्यारा कम बोलने वाला इंसान है ये, टू द पॉइंट बोलता है। एक होता है रेटिसेंट, एक होता है टेसिटर्न, टेसिटर्न एक होता है टेसिड भी याद कर लो, चलो टेसिड से स्टोरी शुरू कर सकते हैं। आर फॉर रेटिसेंट, आर फॉर रिजर्व्ड, ध्यान से, मुझे दो वॉलंटियर चाहिए, लॉन्डे भी चलेंगे भैया, मुझे दो वॉलंटियर चाहिए, एनीबडी वॉलंटियर्स, ठीक है, एक है अर्पित वर्मा और एक है, बताओ भाई, अक्षिता तेरी बारी हो तो गई, ओके सिमरन, ठीक है, एक तो है अर्पित वर्मा और दूसरा है सिमरन, रुक जाओ भी, हो गए वॉलंटियर सिलेक्शन ख़त्म। यार एक रेटिसेंट है, एक रिजर्व्ड है। रेटिसेंट क्या होता है? अर्पित बड़ा ही रिजर्व टाइप है, मैंने इसको बोला अर्पित चल यार बी आर पी में चलते हैं यार, हो गया अपना क्लास वास खत्म करके 10 बजे हैं, तू आ जाए, जलंधर का ही अर्पित बाय द वे जानता हूँ मैं इसको। ये बोला नहीं सर, मम्मी क्या बोलेगी, सर क्या बात कर रहे हो सर, आपने सबके सामने इनवाइट किया सबको पता चल जाएगा सर बी आर पीते हैं सर, ये क्या है सर, ऐसी बातें थोड़ी करनी है। अंदर ही अंदर खुश हो रहा है, बोलेगा सर अभी आता हूँ मैं, बट एनी विच वे ही इज़ रिजर्व्ड, ही इज़ शाई, ही इज़ टॉकिंग लेस, वो देखा आई एम रेडी, मेरे को याद है, ठीक है, ही इज़ रिजर्व्ड एंड ही विल नॉट टॉक अबाउट इट, एंड इज़ रिजर्व्ड एंड ही इज़ शाई। टेसिटर्न, अच्छा बाय द वे टेसिटर्न कम बोलता है, टू द पॉइंट बोलता है, बट एक मिनट, टेसिटर्न को बात पता नहीं होती है इसलिए नहीं बोलता है, ध्यान से, दोनों वैसे चुप रहते हैं। पहली बार जो बंदा है वो रिजर्व्ड है, वो स्लाइटली पॉजिटिव है, अर्पित कम बोला पर उसको चीज़ें नॉर्मली पता होता है। टेसिटर्न ना तो उसको पता होता है ना ही वो कम बोलता है। मैंने सिमरन को मैसेज किया था, अरे सिमरन तेरा नाम सिमरन है, वाई मेरा नाम राहुल है, क्या बात सिमरन राहुल हाय, वो राज था ना वैसे, ठीक है, मैंने बोला बियर पिएगी, तो ऐसे नहीं पूछा मतलब प्यार से पूछा, सिमरन बियर पिएगी,
तो उसका मैसेज आया, इसने मुझे रिप्लाई किया, ये मेरी फैमिली फ्रेंड है इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, इसकी मम्मी को जानता हूँ मैं, रिप्लाई किया इसने मुझे। तो भाई बस हूँ रिप्लाई किया, अब मैं सोचूँ बैठ के भैया क्या मतलब है। फिर मैंने क्वेश्चन मार्क किया, फिर बोलती आई डोंट नो। अबे आई डोंट नो क्या होता है भाई, आई डोंट नो क्या होता है भाई, हाँ या ना करना, एक तो मैं बेर के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, बोला बोला कुछ नहीं है भैया, इसको पता ही नहीं है, इसको बोलने का ही नहीं है। टेस्टेड टर्न, आर यू आस्किंग मी, हैव टू आस्क माई पेरेंट्स, ये वो एक्सेट्रा करके इधर उधर घुमा रही है। सो टेस्टेड टर्न बंदे को पता नहीं होता, वो कम बोलता है, रिजर्व को पता होता है, पर वो शाई है, ये शाई नहीं है, इसको पता ही नहीं, पता नहीं पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, सिमरन जस्ट एन एग्जाम्पल, मम्मी को मत बताना मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इसकी मम्मी भी मेरी फ्रेंड है भाई, बहुत अच्छे लोग हैं। कमिंग बैक, टेसिट 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 प्यार होता है यार, टेसिट प्यार होता है। मेरा और विपुल गुलवे का एक टेसिट प्यार है, ये गुलवे में जब भी प्रीमियर करता हूँ अपना पर्सनल चैनल पर व्लॉग, गुलवे हमेशा आता है, अनस्पोकन लव है ना गुलवे, गुलवे साइड में आ जाता है, अपन लोग चैट करते हैं, कोई और मतलब पूरा टेंशन मेरा ही गुलवे ही लेके जाता है वहाँ पे बैठ के। तो ये गुलवे और मेरा एक टेसिट प्यार है, मतलब नॉर्मल प्यार है, तुम गलत मत समझना। टेसिट का मतलब इज अनस्पोकन लव, ठीक, गलत मत समझना, आजकल लीगल है। गुलवे का मतलब वो नहीं कि गुल गुल करेंगे हम, ठीक है, तो सॉरी, टेसिट मतलब अनस्पोकन लव। यू देर इज सम टाइम देर इज अ टेसिट रिमार्क, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे मॉम एंड डैड का भी रिश्ता इतना अमेजिंग हो जाता है कि वो आंखों आंखों पता चल जाता है कि सामने वाले बंदे को चाय ऑफर करनी कि नहीं करनी, राइट। तुम लोगों को मैं एक जोक सुनाता हूँ, जोक क्यों सुना रहा हूँ, फॉर अ रीज़न। तो जैसे एनी बड़ी गुज्जूज ऑन द हाउस, गुज्जूज में एक जोक है, तो उसके अंदर ना ऐसे बोलते हैं चाय लाना, सुना है तुम लोगों ने जोक। हाँ, तो अगर सामने लोग बैठे हो ना, घर पर लोग बैठे हों, तो गुजराती लोग ऐसे करते हैं, भगवान दो चाय लाना, और ऐसे क्रॉस 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 क्रॉस, नो 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 करते हैं। इसका मतलब पता है क्या है, दो चाय मत लाना, आर यू गाइस विद मी। तो ऐसा अगर कर रहा है तो मतलब दो चाय मत लेना, इस बंदे को भगाना है फटाफट। दिस इज वेरी टिपिकल गुजराती, जानवी को पता होगा, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी कल्चर है, वी जस्ट हैविंग फन, ठीक है, मुझे गुज्जू ने ही बात बताई थी। तो भाई ये टेसिट है, ये अनस्पोकन है, चले इशारा भी कर दिया ना, नहीं तो मॉम एंड डैड आफ्टर स्टेइंग सो मेनी ईयर्स, 15, 20, 30, 40 ईयर्स टुगेदर, दे कम टू नो कि उनका एक टेसिट तरीका होता है टू कम्युनिकेट एज वेल। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, ये हैं कम बोलने वाले लोग, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। होप यू गाइज इंजॉयड दिस सेशन एंड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मजा आया कि नहीं तुम लोगों को, मजा आया कि नहीं, मुझे बहुत मजा आ गया, बहुत दिनों बाद वोकैबुलरी पढ़े, मजा आ गया। ऑल राइट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये बैठ जाओ और लाइक पक्का ठोक देना, लाइक नहीं सॉरी, ठीक है, लाइक पक्का ठोक देना, इट्स गोना बी रियली रियली अमेजिंग, एंड दिस वर्ड्स आर गोना बी सीन इन द एग्जाम, मेरा प्रॉमिस है। तुम बाद में मैं स्क्रीनशॉट मारूंगा इस वीडियो का और बताऊंगा ये वर्ड्स बार बार आएंगे, सिर्फ नॉर्मल लो, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल लो, इसका थोड़ा सा मैंने इसके अंदर और चीज़ें ऐड की हैं, बहुत बहुत अमेजिंग सेशन। चलो भाई आगे बढ़ते हो।